जबलपुर के हनुमान ताल में गणेश विसर्जन के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन सदमे में हैं। हनुमान ताल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हनुमान ताल इलाके का सूरज कश्यप गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करा रहा था, अचानक वह तालाब में डूब गया। उसे डूबता देखकर गोताखोरों ने तालाब में छलांग लगाई, लेकिन उसे निकालने में देरी हो गई। जब तक उसे निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि सूरज के माता पिता नहीं थे, बुआ के पास रहकर मछली पकड़ने का काम करता था, उसे तैरना आता था। यही नहीं, पुलिस ने उसे कार्ड भी दे रखा था जिसके आधार पर वह मूर्ति विसर्जन का काम भी कर रहा था। अचानक उसे फिट आ गया, उसके चलते वह तालाब में डूब गया। और गणेश विसर्जन में नीचे विसर्जित करते समय उसके पटिया पैर फंस जाने के कारण वो डूब गया। वो खुद एक बहुत अच्छा तैराक था और वो नदी में जाके मछली मारता था, और उसका काम ही ये था तालाब में जीवन यापन करने का, उसका साधन ही था ये मुख्य। मम्मी पापा उनके हैं नहीं इस दुनिया में। जब वो छोटा था 3 साल का, तो उसको गोद में लेके इन्हीं लोगों ने आग लगवाई थी, अपने पापा जी को मुखाग्नि दी थी और इन्हीं लोगों ने उसका लालन पालन पोषण किया था। थाना हनुमानताल क्षेत्र तालाब के यहाँ पर सूरज कश्यप पिता राजेंद्र प्रसाद कश्यप उम्र 24 साल निवासी फुटाताल थाना हनुमानताल का, ये तालाब के यहाँ थे। इनको फिट्स की बीमारी आती थी और दिन में लगभग 10:30-11 बजे के आसपास इनको फिट्स आए और ये तालाब में गिर गए। और स्टाफ के द्वारा वहाँ से पुलिस स्टाफ और मौके पर जो लोग थे उनके द्वारा इनको वहाँ से निकाल के उपचार हेतु विक्टोरिया हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था, जहाँ इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। प्रकरण हनुमानताल पुलिस ने इसमें मर्ग क्रमांक 39/19 174 जाप्ता फौजदारी का जांच कर पंजीबद्ध किया गया है, जिसे अभी जांच में रखा गया है।